to sell. Takla, koi please, isse sex dila do. Aur isse to aap jante hi honge. Lekin tum itna overreact kyun kar rahe ho? Tumhara koi jaan pehchan wala bhi. Chup kar. Trailer mein overreact hi karte hain. सो कैसे हैं, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट कॉलेज लव लाइफ वेब सीरीज के बारे में। एंड इसमें आपको कॉलेज की लव स्टोरी देखने को मिलेगी एंड एक दो वेब सीरीज हैं जिनमें आपको स्कूल लाइफ एंड स्कूल लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी की सारी जो भी वेब सीरीज हैं, इन सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इनको देखने में। आप लिंक पे क्लिक करो, आप सीधे उस जगह पे पहुंच जाओगे जहां पे ये वेब सीरीज आपको देखने को मिलती है। तो वीडियो के लास्ट में सरप्राइज है एंड दो बोनस वेब सीरीज भी मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को काइंडली आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, काफी मजा आने वाला है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जो नंबर 10 पर मैंने वेब सीरीज रखी है, नंबर 10 पर है द रियूनियन। एंड ये वेब सीरीज आपको देखने को मिलेगी जूम स्टूडियो पर। एंड इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसको सर्च करने में। एंड ये वेब सीरीज आपको देखने को मिली थी ईयर 2018 में। एंड इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 की। 7.8 काफी अच्छी रेटिंग होती है किसी भी वेब सीरीज के लिए। एंड इसमें आपको रियूनियन दिखाया जाएगा कुछ फ्रेंड्स का। एंड ये पूरी की पूरी स्टोरी उसी पर बेस्ड है एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लॉट है इस वेब सीरीज का। अब चलो बात करते हैं नंबर 9 पर। तो नंबर 9 पर आती है इंजीनियरिंग गर्ल्स। ये वेब सीरीज जो है TVF की बनाई गई वेब सीरीज थी। एंड जब ये वेब सीरीज आई थी तो उस टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। एंड ये वेब सीरीज 2018 में रिलीज हुई थी। एंड इस वेब सीरीज की जो IMDb रेटिंग है वो है एकदम .7 की। सो इस वेब सीरीज में आपको कुछ ऐसी लड़कियों की स्टोरी दिखाई जाएगी जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में किस तरीके से अपनी सिचुएशन को फेस करती है एंड उनके जो लाइफ में अप्स डाउन चल रहे उनकी स्टोरी आपको देखने को मिलती है। अगर आप लोग इस वेब सीरीज में कैरेक्टर से अटैच हो गए ना देन आपको इस सीरीज को देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। अब चलो मूव करते हैं नंबर 8 पर। तो नंबर 8 पर आती है मेरी वन ऑफ द फेवरेट वेब सीरीज जिसका नाम है ऑपरेशन MBBS। ऑपरेशन MBBS डाइस मीडिया की वेब सीरीज है एंड इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर मैं बात करूं देखने में। आप लिंक पे क्लिक करो, आप सीधे वहां पे पहुंच जाओगे। तो ये जो वेब सीरीज है ये रिलीज हुई थी ईयर 2020 में एंड इस वेब सीरीज की जो IMDb रेटिंग है वो 8.1 की। एंड अभी तक इस वेब सीरीज का सिर्फ एक ही सीजन आया, बट इसके सीजन 2 की शूटिंग चल रही है, तो इसका सीजन 2 भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो इस वेब सीरीज में कुछ आपको MBBS स्टूडेंट्स की स्टोरी दिखाई जाएगी जिसमें से 3 मेन लीड कैरेक्टर होते हैं और उनकी फ्रेंडशिप, उनके अप्स एंड डाउन्स एंड लास्ट में किस तरीके से उनका रिजल्ट आता है, क्या क्या सिचुएशन वो फेस करते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती है जो कि MBBS वाले लोग काफी ज्यादा लाइक एंजॉय करेंगे इस वेब सीरीज को देखने में। अब चलो बात करते हैं नंबर 7 की। तो नंबर 7 पर है लाइफ लफड़े एंड बंदियां। अब ये जो वेब सीरीज थी इसको मैंने खास तौर से इसलिए रखा है बिकॉज ये आयुष मेहरा की वेब सीरीज जो कॉलेज रोमांस में भी है, बट ये वेब सीरीज काफी ज्यादा पुरानी है। बट जब ये वेब सीरीज आई थी उस टाइम भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी एंड जिस टाइम ये वेब सीरीज आई थी उस टाइम बहुत ही कम वेब सीरीज बनती थी। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 2016 में एंड ये आपको देखने को मिलती है बिंदास पे। एंड इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 की एंड ऑडियंस ने इसको काफी ज्यादा पसंद किया था। चलो बात करते हैं नंबर 6 की। तो नंबर 6 पर मैंने रखी है द बैचलर्स। एंड इसमें आपको पहले सीजन में देखने को मिलते हैं भाई अपने भुवन बम एंड दूसरे सीजन में आपको देखने को मिलते हैं जीतू भैया। एंड काफी ज्यादा फेमस सीरीज हुई थी TVF की एंड लोग इसका लाइक सीजन 3 भी डिमांड कर रहे थे, बट अभी तक वो आया नहीं है एंड उसके अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। बट ये दो सीजन भी आपको काफी ज्यादा मजा दिलाने वाले हैं बिकॉज इसमें कुछ ऐसे बैचलर्स का ग्रुप दिखाया जाता है ना जिससे आप लोग अपनी सिचुएशन को रिलेट कर सकते हो, अपनी सिचुएशन को आप फील कर सकते हो। जैसे आप इस सीरीज से अटैच हो जाते हो देन आपको इस सीरीज बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह लगेगी एंड सीरीज के एपिसोड कैसे खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस सीरीज की जो IMDb रेटिंग है वो 8.2 की। ये सीरीज आपको देखने को मिली थी 2016 में एंड ये TVF की वेब सीरीज है, तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको YouTube पर इजिली देखने को मिल जाएगी। सो चलो बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 पर मैंने रखी है पंचबीट। ये आल्ट बालाजी की वेब सीरीज है, दैट मींस कि आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेगी, बट मैंने बोला लास्ट तक वीडियो देखना, मैं बता दूंगा कि आप इसको कैसे देख सकते हो। तो ये आल्ट बालाजी की वेब सीरीज है एंड ये भी लाइक कॉलेज लाइफ वेब सीरीज है, बट ये काफी ज्यादा फेमस हुई थी एंड काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी बिकॉज इसमें जो आपको लाइक थोड़ा सा रोमांटिक ड्रामा देखने को मिलता है टीनेजर्स के बीच में वो इसमें काफी ज्यादा है। एंड आल्ट बालाजी की वेब सीरीज है ना, आप समझ सकते हो इसमें आपको किस लेवल का लाइक देखने को मिलेगा रोमांटिक ड्रामा। तो आप इस वेब सीरीज को कंसीडर कर सकते हो अगर आपको लव स्टोरी एंड लव लाइफ एकदम एक्सट्रीम लेवल पर देखनी है। ये वेब सीरीज जो है रिलीज हुई थी 2019 में एंड इसकी IMDb रेटिंग है 7.4 की। एंड आल्ट बालाजी की वेब सीरीज अगर कोई 7 के ऊपर स्कोर करती है देन वो अच्छी ही होगी बिकॉज इनकी मैक्सिमम वेब सीरीज लाइक 5 के नीचे IMDb पर स्कोर करती है। चलो मूव करते हैं नंबर 4 पर। तो नंबर 4 पर मैंने रखी हुई सबसे ज्यादा पॉपुलर वेब सीरीज जिसको 2018 में बनाया गया था, बट उस टाइम पे कोई भी लाइक बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इसको ले नहीं रहा था,
पता नहीं क्यों, बट जब इसने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया देन इस वेब सीरीज को एमएक्स प्लेयर ने लिया था एंड ये उस टाइम एमएक्स प्लेयर के लिए एकदम लाइक ब्लाइंड कार्ड साबित हुई थी बिकॉज इसने एमएक्स प्लेयर को काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दिए थे। मैं बात कर रहा हूँ आई एम मैच्योर वेब सीरीज की एंड इस वेब सीरीज को देखने के बाद लाइक मैं बोल रहा हूँ आप कैरेक्टर से इमोशनली अटैच हो जाओगे एंड आप इसके सीजन टू की डिमांड तो 100% करने वाले हो। एंड मैंने इस पर एक वीडियो भी कवर किया तो आप उसको भी देख सकते हो जिसमें मैंने इसके सीजन टू की बात की है। सो जो वेब सीरीज है 2019 में एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई बट ये 2018 में बनके तैयार हो गई थी बट थोड़ा लेट हो गया इसको रिलीज होने में जिसकी वजह से अभी इसका सीजन टू भी लाइक पेंडिंग पे है। एंड इस वेब सीरीज की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो 8.8 की। ये भी लाइक टीन रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज है। इसमें आपको स्कूल की लव स्टोरी देखने को मिलेगी एंड वो काफी ज्यादा मस्त है बिकॉज इसमें जो ग्रुप दिखाया जाता है दोस्तों का वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आपको एक भी एपिसोड ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बोर कर रहा है। सो चलो अब मूव करते हैं नंबर थ्री पर। तो नंबर थ्री पर मैंने रखी हुई है फ्लेम्स। फ्लेम्स एमएक्स प्लेयर की अगेन वेब सीरीज है एंड ये जो वेब सीरीज है ये देखने को मिली थी हमें 2018 में। इस वेब सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग है 9.1 की एंड इस वेब सीरीज के अभी तक दो सीजन आ चुके हैं एंड जो इसकी ऑडियंस है वो तीसरे सीजन की भी डिमांड कर रही है बिकॉज बाय 9.1 की आईएमडीबी रेटिंग मतलब सीरीज काफी ज्यादा लोगों ने पसंद की है। एंड ये एक ऐसी वेब सीरीज है पूरी लिस्ट में जिसमें आपको कोचिंग की लव स्टोरी देखने को मिलती है एंड जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो अगर आप लोग कोचिंग वोचिंग जाते थे और आप लोग अगर उस लाइफ को अपनी याद करोगे देन आप इस सीरीज को पक्का रिलेट करोगे खुद की सिचुएशन से। तो जिन लोग की भी कोचिंग में गर्लफ्रेंड्स थी वो लोग पक्का इस सीरीज से अपने आप को रिलेट करने वाले हैं अगर आप लोगों ने अभी तक फ्लेम्स नहीं देखी है तो। एंड इस वेब सीरीज की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आगे मैं बता दूंगा आप लोग कैसे इस वेब सीरीज को देख सकते हो। अब चलो मूव करते हैं नंबर टू पर। तो नंबर टू पर आती है अपनी कॉलेज रोमांस जिसका अभी रिसेंटली सीजन टू आया है एंड सीजन वन आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाता है बट जो सीजन टू है उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है सोनी लिव का। तो वीडियो को लास्ट तक देखना देन मैं बता दूंगा आप इसको कैसे देख सकते हो। ऑल्दो ये जो वेब सीरीज है वो टाइम लाइनर की वेब सीरीज है बट इसके राइट्स जो है वो सोनी लिव ने खरीद लिए हैं। सो जो वेब सीरीज का पहला सीजन 2018 में आया था एंड इसकी जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है 8.9 की। एंड ये जो वेब सीरीज है ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की स्टोरी है जो कि लाइक अपनी लाइफ में काफी ज्यादा मस्ती में रहते हैं एंड काफी बिंदास इंसान है अपने अपने लाइफ स्टाइल में एंड हर एक कैरेक्टर आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलने वाला है। मेरा फेवरेट तो भाई बग्घा था, पहले ट्रिपी था बट सीजन टू में वो बग्घा हो गया बिकॉज जिस तरीके से सीजन टू में बग्घा ने परफॉर्म किया है वन ऑफ द बेस्ट उसकी परफॉर्मेंस लगी मेरे को। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको ये वेब सीरीज बट इसमें थोड़ी सी लाइक 18+ लैंग्वेज यूज की गई है तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हो देन आप लोग डेफिनेटली इस वेब सीरीज को कंसिडर कर सकते हो। काफी मस्त है, अगर आपको कॉलेज लाइफ देखनी है ना और एकदम नेचुरल वे में देखनी है देन आप डेफिनेटली इस सीरीज को कंसिडर कर सकते हो। सीजन टू थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड हो गया है बट सीजन वन भी काफी ज्यादा मस्त था। अब चलो बात करते हैं नंबर वन की। तो नंबर वन पर रखी है मैंने कोटा फैक्ट्री एंड कोटा फैक्ट्री नंबर वन पे रखने का कारण ये बिकॉज काफी सारे लोग इस वेब सीरीज से इमोशनली अटैच हैं एंड जिस दिन ये वेब सीरीज आई थी ना उसके बाद से एक कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने इस वेब सीरीज को देखा हो एंड उसने ये बोला हो कि भाई वेब सीरीज बहुत बेकार थी। इतनी मस्त वेब सीरीज, हर एक चीज ऑन द पॉइंट थी एंड शायद एक ही चीज मैं बोलूंगा कि सीरीज ब्लैक एंड व्हाइट में थी बट ऑल द पूरी सीरीज वन ऑफ द बेस्ट है। तो जिन लोगों ने भी इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा है देन आप लोग इस वेब सीरीज को देख लो बिकॉज इस वेब सीरीज का भी सीजन टू भी आने वाला है रिसेंटली, मैंने इस पर भी वीडियो कवर किया तो अगर आप लोग नहीं देखा है देन देख सकते हो, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। सो इस वेब सीरीज को मैंने नंबर वन पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है बिकॉज जिस तरीके से कोटा के स्टूडेंट्स का जो स्ट्रगल है, किस तरीके से उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इतनी अच्छी तरीके से इसमें दिखाया गया ना, मुझे नहीं लगता कि कोई और वेब सीरीज उस तरीके से दिखा पाई होगी। ये वेब सीरीज जो है वो 2019 में रिलीज हुई थी एंड इसकी जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है 9.1 की एंड 9 की आईएमडीबी रेटिंग कोई भी वेब सीरीज अगर मेंटेन करती है ना वो काफी ज्यादा मस्त वेब सीरीज होती है। सो ये थी मेरी टॉप 10 वेब सीरीज की लिस्ट। आप इनमें से कौन सी वेब सीरीज देख चुके हो एंड कौन सी वेब सीरीज आप देखोगे मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अब चलो लास्ट में जो मैंने बोला था बोनस वेब सीरीज बतानी है, सो अब चलो बात कर लेते हैं बोनस वेब सीरीज के। एंड ये जो बोनस वेब सीरीज है ये भी काफी ज्यादा मस्त वेब सीरीज है बट इनको मैंने इसलिए टॉप 10 में नहीं रखा बिकॉज यार ये फ्री में आपको नहीं देखने को मिलती है, ये अमेजोन प्राइम पर अवेलेबल है बट फिर भी आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हो देन मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जिन लोगों को पता टेलीग्राम किस तरीके से वर्क करता है बेस्ट ऑफ लक, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो इसमें जो मैंने रखी हुई है सबसे पहला नाम है लाखों में एक, 8.3 की आईएमडीबी रेटिंग है एंड ये वेब सीरीज भी कोटा के स्टूडेंट्स पर बेस्ड है एंड इसके अभी तक दो सीजन आए हुए हैं एंड ऑडियंस इसको काफी ज्यादा पसंद की थी एंड ये वेब सीरीज मैं हाईली रिकमेंड करूंगा जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। एंड जो दूसरी वेब सीरीज है वो है हॉस्टल डेज, ये भी अमेजोन प्राइम की वेब सीरीज है एंड इस वेब सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग है 8.6 की एंड इसमें आपको शुभम देखने को मिलते हैं जो कि ऑनेस्ट रिव्यू में भी आते हैं। काफी ज्यादा फेमस वेब सीरीज हुई थी ये भी एंड इसमें भी आपको हॉस्टल डेज में उन स्टूडेंट्स की स्टोरी दिखाई जाती है लाइक जो हॉस्टल में रहते हैं, लाइक किस तरीके से कॉलेज एंड
हॉस्टल को मेंटेन करते हैं। बहुत ही मस्त वेब सीरीज है, काफी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया सारे कैरेक्टर्स को, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ये दोनों वेब सीरीज। एंड अगर आपको ये दोनों वेब सीरीज जाननी है आप कैसे देख सकते हो, देन आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इससे ज्यादा यूट्यूब पर नहीं बता सकते बिकॉज गाइडलाइंस उसी तरीके की है, वरना मैं बता देता आप कैसे देख सकते हो यहीं पर। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। टॉप 10 वेब सीरीज के और भी वीडियो लाने चाहिए या फिर नहीं लाने चाहिए मेरे को कमेंट करके जरूर मेंशन करना, बिकॉज मैं भी कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। झाटो, यू आर अ बैड 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 पर्सन। One million.